इस वक्त ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस सेवा दल ने आरएसएस की तारीफ कर दी और संघ को बताया फौजी अनुशासन वाला संगठन। सेवा दल के प्रेस रिलीज में इसको जिक्र कर दिया। हेडगेवार के 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का भी जिक्र किया। खबर सामने आने के बाद सफाई देने में जुट गया है सेवा दल। आज से भिंड में सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सेवा दल के आरएसएस की तारीफ पर राकेश सिंह का बयान आया है। बीजेपी या संघ को कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा है। उनकी पार्टी के नेता संघ की तारीफ करते हैं। तो आरएसएस की तारीफ के बाद यहां पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया। सुधीर, कांग्रेस के संगठन सेवा दल और भाजपा के संगठन आरएसएस की हमेशा से तुलना होती रही है, एक बार फिर इस बयान के बाद जो प्रेस रिलीज आया है उसके बाद जो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही है यहाँ पर दोनों ओर के नेताओं से? देखिए, बिल्कुल, बात किया तो कांग्रेस ने उस प्रेस नोट से पूरी तरह खंडन किया है। कांग्रेस का कहना है कि इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की साजिश है। जिस तरीके का आरएसएस की तारीफ वाला प्रेस नोट जारी किया गया था, वहीं पर बीजेपी की ओर से राकेश सिंह का कहना है कि कांग्रेस के प्रमाण पत्र की आरएसएस को आवश्यकता नहीं है। यानी कि कहना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था और उसमें आरएसएस का जो जिक्र किया हुआ पहला प्रेस नोट आया था, उसके बाद में मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आया हुआ है और आरएसएस से तुलना करने के पीछे कांग्रेस जहां एक ओर सफाई दे रही है, वहीं बीजेपी भी कहीं इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस की खिंचाई कर रही है। जी बिल्कुल सुधीर, अब ये देखना होगा कि आज ये दोनों संगठन की जो तुलना हुई है, और इधर राकेश सिंह का भी बयान है। सुधीर, क्या कहना है राकेश सिंह का? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और तमाम मुद्दों के साथ में राकेश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है उसमें 25 सितंबर को बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ मनाया जाएगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे। हालांकि पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आने की बात बीजेपी के नेताओं के द्वारा कही जा रही थी। अब चूंकि नरेंद्र मोदी का आना मध्य प्रदेश में तय नहीं है, ऐसे में कार्यक्रम को यथावत रखा गया है। पर लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा का बीच में जो ब्रेक हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद में, उसके बाद में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नहीं जा पाएंगे वो समापन के बाद में जन आशीर्वाद यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, इस बात की जानकारी राकेश सिंह ने दी है। इसके अलावा बूथ और मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता बुलाए जाएंगे। वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बीते दिनों लगातार जिस तरीके के आयोजन बीजेपी के द्वारा किए गए हैं उनको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उस मामले में भी अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा को लेकर राकेश सिंह ने सफाई दी है। उनका कहना है कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी के समय भी कुछ इसी तरीके के आयोजन कांग्रेस के द्वारा किए जाते थे, ऐसे में इस तरह सवाल उठाना बिल्कुल भी अजीब नहीं है। तमाम मुद्दों पर राकेश सिंह ने आज चर्चा की थी और मुख्य जो बात थी जन आशीर्वाद यात्रा और कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ जो 25 सितंबर को भोपाल में आयोजित होना है, जहां पर 5 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, उस पूरे कार्यक्रम की जानकारी राकेश सिंह के द्वारा दी गई। जी सुधीर, इससे पहले भी देखा गया है कि जो विभिन्न जो सभाएं होती रही उसमें भी लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता है संघ का उदाहरण देकर कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे घटनाक्रम में क्या होता है, क्योंकि आरएसएस की तारीफ अब प्रेस नोट के जरिए यहां पर कांग्रेस ने की है और तुलना सीधे तौर पर सेवा दल से की है। अब देखना यह होगा कि आगे राजनीतिक तौर पर किस किस तरह के बयान सामने आते हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।